माशाल्लाह मेहनत रंग ला रही है जो हल्द्वानी में मुसलमानों के खिलाफ या इंसानियत के खिलाफ हो रहा है, और उलमा ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। हमारी ये गुजारिश है और मैं चाहता हूँ कि अब बड़े बड़े उलमा भी इसी तरीके से कदम उठाएं ताकि लोगों के साथ है, हर तरीके से साथ है, जुल्म और ज़ाती को कभी भी और कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इंशाअल्लाह। मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि आप सब लोग लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में बिल्कुल भी लेने की कोशिश कभी भी ना करें। जो भी चीज है, हम हुकूमत के उत्तरांचल से भी बात कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अभी कलकत्ता में हैं। उनका हमारे पास रात को आया था, उनके चीफ सेक्रेटरी का के हजरत मुख्यमंत्री जी आ जाएं कलकत्ता से, उसके बाद हम आपकी बात कराते हैं। और इसमें हम भी ये बात चाहते हैं कि बस्ती के लोगों को कहीं पर भी कोई तकलीफ ना हो, लेकिन रेलवे का जो ये ग्राउंड है ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया, और इसी तरीके से अब बड़े बड़े उलमा को आगे आना चाहिए। और आपसे भी गुजारिश है, अब धरने प्रदर्शन पुनर्मन तरीके से होने चाहिए ताकि ये जो जुल्म इंसानियत के खिलाफ हो रहा है, तकरीबन 50,000 लोगों के घरों से सरों से छत छीन ली जाएगी अगर ये कानून नाफिज कर दिया गया। इसलिए आप पुरजोर तरीके से इसकी मजम्मत करें।